ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। अगर मैं आपको बताऊं कि चमत्कार इसी दुनिया में होते हैं तो आप शायद ही मेरा विश्वास करें, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि जब मैं साधनाएं करता हूं या जब मैं साधनाएं कराता हूं तो भगवत कृपा जो है वो प्रकट हो जाती है। ऐसा ही एक वाक्य है, जब मैं अपनी क्लाइंट के साथ था और हम जो है एक अनुष्ठान कर रहे थे। मंगलवार का दिन था और हम बीच जंगल के थे, तो हुआ ये कि हमने लगभग अनुष्ठान शुरू ही किया था कि 5 मिनट की चैंटिंग के बाद वहाँ पर स्वयं हनुमान जी प्रकट हो गए। मंगलवार के दिन पूरा जंगल जो है वो खाली था। जब हम आए तब एक भी जानवर वहाँ पर नहीं था, लेकिन जैसे ही हम अनुष्ठान करना हमने शुरू किया तो वहाँ पर कहीं से ना जाने कहाँ से एक बंदर आ गया। मंगलवार के दिन एक बंदर का आना, आप इसे एक सहयोग भी कह सकते हैं, लेकिन आप अगर मानो तो पत्थर भी भगवान है, अगर ना मानो तो कुछ भी नहीं। तो ऐसे ऐसे वाक्य मेरे साथ होते रहते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ था कि मैं अपनी जो है साधना में लीन था, तो उस समय मुझे किसी के दर्शन हुए। और एक बार यूं ही जंगल में हम साधना कर रहे थे तो वहाँ पर जो है मैं गणेश जी की मूर्ति भूल आया, और मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया कि हमारी जो मतलब गणेश जी कह रहे हैं कि मुझे इस जंगल में छोड़ के कहाँ जा रहे हो। तो फिर मुझे याद है, हाँ मेरी एक मूर्ति है गणेश जी की जो कि पंचमुखी है। फिर हम वापस गए, वापस वहाँ से उठा के लाए। तो ये जो है ये मतलब मेरी समझ से बाहर है, ये कैसे होता है कि एक नॉन लिविंग थिंग भी ऐसे कैसे बोल सकती है कि मुझे यहाँ से उठा के लेके जाओ, मैं जंगल में अकेला हूँ। तो ये मूर्ति कैसे बोल सकती है और आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? लेकिन ये घटनाएं होती हैं और मेरे साथ ऐसा अक्सर होता रहता है। तो जो बाकी की घटनाएं हैं वो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन ये वाली जो है ये मैंने रिकॉर्ड कर ली है। तो मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि किस तरह से चमत्कार होते हैं। अभी इस समय हम इस मंत्र का अनुष्ठान कर रहे थे, ओम नमो त्रिजट लंबोदर वदवद, साथी का नाम आकर्षाय आकर्षाय स्वाहा। तो बहुत सारा अनुष्ठान हुआ, इसमें बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, उसके बाद ये जो मंत्र है ये मैंने आपको दिया है। तो इसमें जो रिजल्ट्स हैं वो 101% आते हैं। ये मेरे पिछले वीडियोस में मंत्र आपको मिल जाएगा, इसको कीजिएगा और आप इसके चमत्कार देख सकते हैं, बल्कि एक बार करोगे तो आपको असर दिख जाएगा। लेकिन आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप देख पाएँ कि किस तरह से आज 2024 में भी इस तरह के जो चमत्कार हैं वो होते हैं। ये वीडियो लगभग 5-6 साल पुरानी है और अभी जो है आज न जाने कैसे मेरे सामने आ गई, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। बहुत ही चमत्कारिक रूप से ये जो वानर है ये आया, और मंगलवार के दिन, क्योंकि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं जब भी हम अनुष्ठान करें तो कोई बीच में विघ्न आए, लेकिन यहाँ पर विघ्न आई है और वो भी मंगलवार के दिन। तो मैं से वरदान ही कहूँगा कि जो जब कभी आप कोई ऐसा अनुष्ठान करें और उसके बीच में कोई जीव आ जाए जो कि आपकी प्रसाद को आपकी मिठाई को खा ले, तो आप समझिए आपका जो अनुष्ठान होता है वो पूरा हो गया है। भगवत कृपा यहीं से दिख जाती है, बहुत ही बेहतरीन। और मैं आपको क्या बताऊँ, ये देखकर तो मतलब मेरे जो जजमान थे वो थोड़े डर गए, लेकिन मुझे पता था कि ये वानर के रूप में हनुमान है। तो आगे आप देखिए वीडियो, इसमें सारा कुछ है कि कैसे कैसे क्या हुआ था। हम नदी के किनारे पर थे और ये जो है लगभग
नवरात्रों के आसपास की वीडियो है, उस समय पर हमने ये वीडियो बनाई थी, तो चलिए देखते हैं। मत उठाने दो, उठाने दो, चुप बैठे रहो, चुप बैठे रहो। मंगलवार आज आंख बंद करके बैठे रहो, बस बैठे रहो, उठाने दो उसको, अच्छी बात है। करो मत, करते रहो, कुछ नहीं करेगा वो। आंख बंद, ध्यान,